Very good morning students, I am Meenu Mathu with all of you from DAV Public School Seeker. तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर क्लास है फर्स्ट. चैप्टर है आपका 5 सिंगुलर एंड प्लूरल. आज का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है सिंगुलर एंड प्लूरल. इसमें आपको बताएंगे सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है. देखो बच्चों सिंगुलर और प्लूरल देखो जैसे कि आपको आपके पास एक एप्पल है ठीक है. कितनी एप्पल है 1 तो वो क्या है सिंगुलर फॉर्म क्या होती है सिंगुलर. अब जैसे ही आपके पास आपकी मम्मी आपको एक और दे देती हैं तब वो क्या हो गई 2 हो गई आपके पास. तो आपके पास एक से ज़्यादा हो गई. एक से ज़्यादा जो भी चीज़ हो जाती है तो वो क्या हो जाती है प्लूरल हो जाती है ठीक है. तो आपके पास अब क्या हो गई एप्पल नहीं है. अब आपके पास पहले तो आपके पास 1 एप्पल थी ठीक है 1 एप्पल. तब हमने क्या कहा था कि वो एप्पल है ठीक है. आप कह सकते हो कि आई हैव एन एप्पल कि मेरे पास में एक एप्पल है. लेकिन जब आपके पास आपकी मम्मी ने एक और दे दी एक से ज़्यादा होते ही मोर देन 1 होते ही आपके पास क्या हो गई वो एप्पल्स हो गई. क्या हो गई एप्पल्स. तब आप क्या उस तो जो एप्पल्स हैं वो क्या है उसका प्लूरल फॉर्म है. क्या है प्लूरल फॉर्म. तो एप्पल का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा एप्पल्स होगा. देखो बच्चों ये है चौक कितनी है 1 है 1 चौक है 1 पीस है चौक का है ना 1 पीस ऑफ चौक है. अब इसमें यदि मैं ऐड करती हूँ एक और तो ये क्या हो गई चॉक्स ठीक है. ये चॉक्स हो गई ना. अब इसमें 1 से ज़्यादा होते ही अब देखो ये इससे हम कितनी भी ज़्यादा ले सकते हैं तो ये भी क्या है चॉक्स हैं. मेरे पास में क्या है चॉक्स है ना आई हैव चॉक्स ना. अब यदि एक है तो क्या बोलूँगी आई हैव अ चॉक है ना. मेरे पास एक चॉक है आई हैव अ चॉक पीस एक चॉक का पीस है ठीक है. तो ये हो गए सिंगुलर एंड प्लूरल. अब देखो इसे देखना है आपको अपनी बुक में. ये देखो बुक में आपको दी गई है 1 एप्पल ठीक है. क्या है ये 1 एप्पल है. अब देखो इसमें इधर वाली जो पिक्चर है इस पिक्चर में इन दिस पिक्चर यू कैन सी मोर देन 1 एप्पल्स है ना. तो ये क्या है एप्पल्स ठीक है. 1, 2, 3 है ना. 3 होते ही क्या हो गई एप्पल्स. तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे एस. एस ऐड करते ही क्या हो गया ये प्लूरल हो गया. अब देखो नेक्स्ट पिक्चर जो है इसमें 1 बॉय दिखाई दे रहा है ना आपको. यू कैन सी 1 बॉय आपको 1 बॉय दिखाई दे रहा है. अब ये देखो ये आपको 6 बॉयज दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बॉयज हैं. तो मोर देन 1 है ना. एक से ज़्यादा होती है क्या हो गए बॉयज हो गए. अब नेक्स्ट पिक्चर देखो नेक्स्ट पिक्चर में यू कैन सी 1 पेंसिल 1 पेंसिल ना. अब देखो अब आपके पास यहाँ पर 2 पेंसिल्स हो गई. तो ये पेंसिल नहीं है बल्कि ये क्या है पेंसिल्स हैं. इसमें एस ऐड कर देंगे. अब देखो ये 1 बैग है ना. और इन दिस पिक्चर में यू कैन सी 2 बैग्स आपको इस पिक्चर में आप 2 बैग्स देख सकते हो. तो ये क्या हो गए बैग्स हो गए. इसमें एस है तो एस ही तो ऐड करना है हमें. 1 डॉग ये देखो भागता हुआ जा रहा है ना 1 डॉग इज रनिंग ना. अब देखो 2 डॉग्स आ रनिंग इसमें ये 2 डॉग्स आपको दिखाई दे रहे हैं. तो ये क्या है डॉग नहीं है ये क्या है डॉग्स हैं. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. अब देखो द वर्ड जो जैसे वर्ड होते हैं एप्पल है ना ए डबल टी एल ई एप्पल बॉय पेंसिल ये क्या है जस्ट 1 ही नंबर. डॉग ये क्या है 1 ही नंबर है. नंबर में कितने हैं संख्या में कितने हैं ये 1 है. इसलिए ये क्या है इसके सिंगुलर फॉर्म है. इसलिए ये क्या कहलाते हैं सिंगुलर वर्ड्स कहलाते हैं. ये कहलाते हैं सिंगुलर वर्ड्स. और वर्ड्स देखो इसमें यदि हम एस यू एस को ऐड कर दें एप्पल को हम एप्पल्स कर दें बॉय को क्या कर देंगे बॉयज पेंसिल्स को पी ई एन सी एल एल एस ऐड कर देंगे और डॉग को हम डॉग्स लिख देंगे डी यू जी एस. तो ये जो है ये क्या है मोर देन 1 है. ये संख्या में कितने हैं मोर देन 1 ही नंबर
इसलिए ये क्या कहलाते हैं, प्लूरल वर्ड्स कहलाते हैं, प्लूरल वर्ड्स। ठीक है, अब देखो द वर्ड वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट ओनली वन पर्सन या थिंग या प्लेस या एनिमल। ठीक है, जो शब्द हमें बताते हैं केवल एक चीज के बारे में या एक एनिमल के बारे में, ओनली वन के बारे में, तो वो कौन से होते हैं, सिंगुलर वर्ड्स। और देखो द वर्ड्स विच टेल अस अबाउट मोर देन वन पर्सन और एनिमल्स, है ना, मोर देन वन पर्सन के बारे में, मोर देन वन एनिमल्स के बारे में और मोर देन वन थिंग्स के बारे में, तो वो एक से ज्यादा चीजों के बारे में या एक से ज्यादा पर्सन के बारे में, इंसान के बारे में हमें बताते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल वर्ड्स होंगे। अब देखो मोस्ट जो नाउन होते हैं उनमें हम एस जो है वो यूज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, आपको ये बता दिया जाता है कि ज्यादातर जो नाउन होते हैं, जो सिंगुलर नाउन है, उनको यदि आपको कहेंगे प्लूरल में आप चेंज करना है तो आप उसमें एस लगा दोगे। ठीक है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें आपको ई एस लगाना होता है, तो आपको इसे देखना है। देखो जैसे काइट, तो काइट का क्या होता है, काइट्स, काइट का प्लूरल क्या होता है, काइट्स होता है। अब देखो हैट, हैट को प्लूरल में चेंज करना है तो ये हो जाएगा HATS। पेन को आप प्लूरल में चेंज करोगे तो वो हो जाएगा PENS, पेन्स। ठीक है, ये है जिन्हें आपको एस लगा करके क्या करना है, प्लूरल में चेंज कर देना है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वर्ड जिनके लास्ट में देखो SHCHS या डबल एस या एक्स आता है, तब हम उसमें ES यूज करते हैं। अब देखो आपको इसमें बच्चों क्या देखना है, आपको देखना है लास्ट का वर्ड। ठीक है, सिंगुलर से जब आप प्लूरल में चेंज करोगे तो आपके जो इनके लास्ट के वर्ड होंगे, जो इनके बाद में वाले जो अक्षर होंगे, जो लेटर है ना, वर्ड के जो लास्ट के जो लेटर हैं उन पर आपको ध्यान देना है। जैसे देखो लास्ट लेटर में यदि SH आए, क्या है, SH, इसके अलावा CH और इसके अलावा S या फिर डबल S या फिर X आए, तब हम इसमें ऐड कर देंगे S की जगह पर ES, इसमें हम ऐड करेंगे। तो देखो आप क्या समझे, आपको ये ध्यान रखना है SH, CH, S, डबल S या एक्स आई, ये आपको पांच चीजें याद देखनी है, फाइव थिंग्स हैं। देखो SH, CH, S, डबल S और X, ये आता है तब हम इसमें, यदि लास्ट लेटर ये होते हैं तब हम उसमें ES यूज कर देते हैं। देखो जैसे SH, देखो जैसे ऐसा जाता है ब्रश में, BRUSH, ब्रश, ब्रश जो आप करते हो ना रोज, आप क्या करते हो अपनी टीथ जो है उनको ब्रश करते हो, और होता है बुश, बुश मीन्स होता है झाड़ी। तो देखो इनमें लास्ट लेटर क्या आया, SH, है ना, ब्रश और बुश, तो इसलिए क्योंकि इनके लास्ट लेटर SH हैं, आपको बताया है कि SH हो सकता है, तब आप इसका प्लूरल बनाते समय क्या यूज करोगे, BRUSHES, तो हम इसमें केवल S नहीं लगाएंगे बल्कि इसमें क्या ऐड कर देंगे, ES हम ऐड कर देंगे। अब देखो बुश, BUSHES, तब क्या यूज कर, इसमें भी क्या है SH है लास्ट में, तो हमने ES। अब देखो CH, CH जो है वो कब हो सकता है, लास्ट में, देखो इसमें है CHURCH, तो इसमें लास्ट में क्या है, CH, चर्च, चर्च होता है ना जहाँ पर क्रिश्चियंस लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। और इसके अलावा मैच, MATCH, मैच, तो इसमें भी CH है लास्ट में, मैच आप देखते हो ना, क्रिकेट मैच भी हो सकता है, हॉकी मैच भी हो सकता है, वॉलीबॉल मैच भी हो सकता है, तो इसमें क्या है,
लास्ट में सी एच है, तो सी एच है तब हम क्या यूज करेंगे इसमें, सी एच यू आर सी एच ई एस लगा दिया। अब देखो एम ए टी सी एच ई एस, ये हो गया चर्चेस और ये हो गया मैचेस। अब देखो नेक्स्ट है एस, एस को किस तरह से यूज कर सकते हैं, देखो बस, बस का होता है बी यू एस ई एस, तो ये हो गया एस वाला। और देखो डबल एस, डबल एस में जैसे होता है ग्लास, तो ग्लास का ग्लासेस जी एल ए डबल एस ई एस, तो ये हो गया ग्लासेस, ग्लास का ग्लासेस, क्लास का ग्लासेस प्लूरल, क्लास का प्लूरल ग्लासेस सी एल ए डबल एस ई एस। और देखो एक्स, एक्स होता है बी ओ एक्स, बॉक्स का बॉक्सेस, फॉक्स का फॉक्सेस, हो गया। तो ये है देखो, इसमें जैसे मोस्टली जितने भी होते हैं उनमें हम एस का यूज करते हैं, केवल आपको एस लगा देना है, काइट का काइट्स, हेड का हेड्स, पेन का पेन्स, पेंसिल का पेन, पेंसिल्स, चेयर का चेयर्स, है ना, विंडो का विंडोज, डोर का डोर्स, फैन का फैंस, ठीक है। अब देखो आपको बताया है यदि लास्ट में क्या हो, एस डबल एस एस एच सी एच या एच हो, ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर लो, एस डबल एस एस एच सी एच और एच, यदि लास्ट के लेटर हो तब आप उसमें एस की जगह क्या लिखोगे, ई एस, जैसे ब्रश का ब्रशेस। आप देखो बोलकर भी देख सकते हो यदि इसकी साउंड एस भी आती है, जैसे ब्रशेस, बसेस, है ना, चर्चेस, मैचेस, इसमें सब में एस की आवाज आ रही है, एस जो है वो इसमें वॉइस निकल रही है, तो इसमें किस क्या ऐड करेंगे हम, सही में सब में ई एस जो है वो इसमें ऐड कर देंगे, ब्रश का ब्रशेस, बुश का बुशेस, चर्च का चर्चेस, मैच का मैचेस, बस का बसेस, ग्लास ग्लासेस, क्लास ग्लासेस, बॉक्स बॉक्सेस एंड फॉक्स फॉक्सेस। अब देखो ये सिंगुलर प्लूरल वाला जो चैप्टर है ये आपके समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।